आज हम बनाना सीखेंगे एक कप सूजी और एक चम्मच तेल से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का, सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार हो जाता है। ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी सामग्री जो है घर पर आसानी से अवेलेबल रहती है। जब आपके घर में बनाने के लिए कुछ ना हो तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एयर किचन में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप सूजी। सूजी हम बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम एक कप या कटोरी सेट कर लेंगे, उसी से सारा मेजरमेंट करेंगे। अब सूजी को मिक्सर के बड़े वाले जार में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। दही जरूर डालिएगा, इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। दही डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। एक कप सूजी के लिए हम आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्च और साथ ही डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालने से हमारा नाश्ता जो है मीठा नहीं होगा, बल्कि इसका स्वाद और निखर के आएगा। साथ ही इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल डालने से हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा और हमारा बैटर जो है बहुत ही स्मूथ और चिकना बनकर तैयार होगा। अब मिक्सर जार के ढक्कन को बंद कर देंगे और इन सभी चीज़ों को पीस कर स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी को बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। हमें सूजी को इतना ही बारीक पीस कर तैयार करना है। अब सूजी को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर को चम्मच की सहायता से निकालेंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। मिक्सर जार में थोड़े से पेस्ट लगे हुए थे, उसे क्या करेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से खंगाल लेंगे और खंगाल कर मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। ऐसा करने से हमारा पेस्ट जो है वेस्ट नहीं होगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनिंग हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसमें हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नाश्ता बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए। अब सूजी को अच्छी तरह से सेट होने के लिए इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी जो है अच्छी तरह से फूल कर सेट हो जाए। 15 मिनट बीत जाने के बाद अब सूजी को ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। सूजी जो है अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा। जीरा जरूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सूजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और साथ ही क्या करेंगे, बैटर को लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पर हमने सूजी को 2 मिनट के लिए फेंट लिया है। फेटने की वजह से बैटर जो है पहले से काफ़ी हल्की लग रही है। नाश्ते को ब्रेड की तरह फूला फूला और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इनो। आप चाहें तो इनो की जगह पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे 1 छोटा चम्मच पानी। इनो डालने के बाद इसे हम तुरंत ही अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि इनो डालने के बाद इसे हमें तुरंत ही स्टीम करने के लिए रखना होता है। इनो डालने की वजह से हमारी बैटर जो है पहले से काफ़ी फूल चुकी है और बैटर में जाली आनी शुरू हो गई है। अब इसे हम ज़्यादा मिलाएंगे नहीं, अब इसे हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। नाश्ते को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टील के एक बर्तन को तेल से अच्छी तरह से पहले ही ग्रीस करके तैयार कर लिया था। इसमें बैटर को डाल देंगे। सारे बैटर को डालने के बाद अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हल्का सा चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर पाव भाजी मसाला पाउडर या मैगी मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हल्का सा काला नमक स्प्रिंकल कर देंगे, इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही चटपटा लगेगा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे, इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही कलरफुल देखने में लगेगा। अब ये तैयार है स्टीम करने के लिए। नाश्ते को स्टीम करने के लिए एक बर्तन में मैंने 2 गिलास पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें हम नाश्ते को रख देंगे और रख कर इसे अच्छी तरह से ढक देंगे, जिससे कि इसके अंदर का भाप बाहर ना आ सके। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे।
15 मिनट स्टीम करने के बाद ढक्कन हटाकर इसे हम चेक करेंगे। चाकू जो है क्लीन है, यानी हमारा नाश्ता जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसकी हम कटिंग करेंगे। सूजी का ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए ये कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार बनके तैयार हुआ है। यह बिल्कुल ब्रेड की तरह बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसे हम हल्का सा सेकेंगे। इसे सेकने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। नाश्ते को सेकने के लिए तवा को गर्म करेंगे। तवा गर्म हो जाने के बाद उसके ऊपर एक बड़ा चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से फैला लेंगे। तेल को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा राई डालेंगे और साथ ही डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने के बाद अब इसके ऊपर हम नाश्ता डाल देंगे। इसी तरह बाकी सारे नाश्ते को तवे पर डाल देंगे। इस वक्त हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। अब इस नाश्ते को हम उलट पुलट करके दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए सेकेंगे। 2 मिनट बाद इसे पलट कर देखेंगे, इसका कलर जो है हल्का चेंज हो गया है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसे हम 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। जब यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो लीजिए, आज का हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, यह बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। एक बार इसे आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।